अस्सलामुअलैकुम। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, लेकिन बहुत नकारापन आया हुआ है। शादी अटेंड करके बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो जब बंदे का कुछ भी करने का दिल ना करे तो फिर इस तरह से आप झटपट अपना खाना जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। मैं आज बनाने लगी हूँ मिक्स वेजिटेबल। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कर ली हैं, काट ली हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप देखना कि मैं इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी जो है ना वो डाल के तो इसको स्टीम पे रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और बाद में मैं इसकी कर दूँगी भुनाई। तो ये मेरा बहुत मज़े का सालन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। जब मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता तो फिर मैं ऐसे ही जो है ना वो अपने काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ हार्ट की वजह से भी तबीयत थोड़ी अपसेट है, और दूसरा वैसे भी बहुत थकावट हुई है, बीमार हुए हैं हम सब। तो इसमें मैं अब ऐसे ही जल्दी जल्दी जो है ना वो रेडी कर लूँगी, क्योंकि कल मैंने सारे दिन जो है वो कपड़े वॉश किए, मेरी हेल्पर बच्चियाँ भी नकारी हुई हैं आजकल मेरे साथ। तो आज सुबह उठ के नाश्ता किया, उसके बाद फिर बैठी, फिर उठी, फिर बैठी, पता नहीं क्या क्या। तो अब देखना इसमें मैं ये सारा कुछ ऐड करके इसको रख दूंगी स्लो आग पे, तो ये अच्छा बन जाता है सालन मेरा ऐसे करके। ये मेरी टेफ्लॉन जो है वो नॉनस्टिक हांडी की मेरी बच्चियाँ मांझ मांझ के जो है ना वो सारा उतार देती हैं। तो आप देखें इसमें पीस लिया आलिया। चलो जी छोड़ दो, ऐसे दर्द वाला सा ना लहसुन अदरक मुझे मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें इधर इसने छोटी बच्ची ने ये इसको कर दिया, पीस दिया। अब मैं इसमें ये डालूँगी, और ये देखें इधर मेरी फ्रिज ने ना बर्फ़ का पहाड़ बनाया हुआ था, तो आज सुबह मैंने जो है ना फ्रिज भी थोड़ी साफ की। तो इसके साथ अभी ये देखें ये ऐसे धो के, तो इसी में मतलब तो पानी नहीं डालूँगी मैं, तो ये जो है ना ये एज इट इज़ में ऐसे इसको डाल दूँगी इसमें। हाँ बेटा ऐसे ही डाल दूँगी। हाँ जी अच्छा होता है ऐसे, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि कल मुझे सैलून की विजिट करने, मैंने ना कैरेटिन करवाई है, तो वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे बालों में वो जो है ना वो बाउंस आ गया दोबारा से, इसलिए मैंने आज थोड़ी जो है ना सब्जी ज़्यादा बना ली, कि कल इसके साथ कोई रोस्ट या कोई चिकन का सालन या मटन वगैरह कुछ बना लूँगी, तो चलो एक सब्ज़ी जो है ना वो पड़ी रहेगी। अब मैं ऐसे करके दूँगी इसके ऊपर ये वाला इसका लिड। जी मेरी जान, अच्छा इतनी सी आग पे मैं रख दूँगी अपना ये। अच्छा और ये देखें, ये मैंने जब कल किचन साफ किया था ना, तो ये देखें मैंने अपनी रिंग्स जो है ना गोल्ड की वो उतार के दे रखी है यार, भूल गई अभी याद आया। और हांडी बनाते हुए फिर आपको काम चोरी का दौरा पड़े तो फिर आप ऐसे करके बैठ जाएं और अपने काकों को साथ ऐसे करके बैठा लीजिए। देखें मेरे काके का दोपहर का खाना हो रहा है, और हमारा जो है ना दोपहर का खाना वो जो है ना वो बन रहा है, और साथ हम लगा के बैठे हैं इधर टीवी। और आज कपड़े प्रेस करने का कोई मूड नहीं है, मैंने कुछ जो है वो धोबी को भेजे हैं, लेकिन जो जिम वाले कपड़े मेरे मियाँ साहब के वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि दिल नहीं कर रहा। और ये देखें इधर जो हमारे घर का है ना क्या इसको कहते हैं, बहुत ही सख्त किस्म का बंदा, ये देखें ये रिमोट पे कब्ज़ा जमा के बैठा हुआ है, और ये भी सिर्फ एक साल का भी नहीं है और हर चीज़ पर कब्ज़ है। और ये देखें इधर मेरी जो बच्चियाँ हैं ना बड़ी अच्छी हैं, साथ साथ जो जो काम ख़राब होता है वो करती रहती है, क्योंकि मेरे जो छोटे के एक बेटी 3 साल की है और 1 साल की, ये चीज़ें खींचते रहते हैं, मतलब पूरा दिन लाउंज जो है ना वो हमारा बिखरा रहता है। ये देखें वो देखें वो उसका फीडर पड़ा हुआ, आलिया बेटे वो उसका फीडर पकड़ना। और ये देखें इसने ये देखें ये ऐसे करती है, ये देखें इसे कहा मोड़ फेंकता, ये देखें ये देखें ये मुझे दे दो मियाँ साहब आज कह रहे थे,
कि अब इसको ना फेंकना, क्योंकि जो सैमसंग की ओरिजिनल होती है ना ये रिमोट वगैरह, तो ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से मिला, तो तुम्हारी मेहरबानी अब इसको ना फेंकना ना। और ये अभी ये जो हमारा राज बब्बर है इसने बहुत ज़ोर से इसको नीचे फेंका है। ये देखें उसी स्टीम में जो है ना वो मेरा सालन बन गया। अब इसको एक दो मिनट भून लें, सब्ज़ धनिया डालें, गरम मसाला डालें और आपका सालन गर्म हो रहा है। दे दो धनिया, वैसे ही क्या कि ये छोड़ते हैं अंडी, तो अब इसका मतलब है कि आपकी अंडी जो है ना वो बन गई है। ये देखो आ रहा है, ये देखें। अब इसमें मैंने ये जो धनिया है ये इसको अच्छे से वॉश करके डाल दिया और इसको बस आपने आग बंद कर देनी और इसको दम पे छोड़ दें। ये इधर देखने में आपके जो कपड़े हैं वो ऐसे पहले होते हैं साथ साथ किचन में। ये देखिए आज कसम से कुछ भी करने का जो है ना वो दिल नहीं है, तो अभी फिर मैं जाके थोड़ी देर के लिए लेटने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग या आज की मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।